हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। ये है 11th क्लास के लिए वीडियो, यानी कि वो बच्चे जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो 11th क्लास में है, उनके लिए ये वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 3rd ऑफ बिजनेस स्टडी, दैट इज पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में, पब्लिक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अर्लियर वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक कंपनी तीन टाइप्स का होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो डिपार्टमेंटल एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो चुका है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। तो आज हम लोग समझेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे बहुत ही डीपली तरीके से कि ये गवर्नमेंट कंपनी किस तरीके से काम करती है और कैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से ये डिफरेंट होता है। हालांकि तीनों गवर्नमेंट के दायरे में ही आती है ना, मगर तीनों का काम करने का तरीका, तीनों का ऑब्जेक्टिव, तीनों का पर्पस, तीनों का क्लासिफिकेशन अलग तरीके से होता है। तो आम जनता की बात करें तो इंडियन रेलवे को भी वो गवर्नमेंट कंपनी बोलती है, SBI को भी वो गवर्नमेंट कंपनी बोलती है, और सेल, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ये सब कंपनी को भी लोग सरकारी कंपनी बोलते हैं। मगर अब जब आप डीपली पढ़े हो तो आपको समझ में आ गया कि इंडियन रेलवे डिफेंस आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, SBI, LIC ये सब किस में आता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, और सेल, भेल, फिर उसके बाद आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब जो है ये आपका गवर्नमेंट कंपनी में आता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में और इसी के साथ आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे कि सरकारी संस्था जो चलती है, सरकार के द्वारा जो संस्था चलाई जाती है, उनका अलग क्लासिफिकेशन होता है। नॉर्मल इंसान उसको बोलेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी है, मगर आप इंडियन रेलवे को क्या बोलोगे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। That is what makes you different from other, है ना? इस वजह से आप more knowledgeable than other हो जाते हो, ठीक है? तो चलिए सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट कंपनी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले, पहले ओरली थोड़ा कुछ चर्चा कर लिया जाए। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होता है जहां पर सरकार का, आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दो तरीके की गवर्नमेंट होती है। तो वैसी कंपनी जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का 50% से ज्यादा, यानी कि एटलीस्ट 51%, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का 51%, या फिर दोनों मिला के 51% का हिस्सेदारी अगर गवर्नमेंट का है तो वो सरकारी कंपनी हो जाता है। इसको समझने के लिए थोड़ा एक बात समझते हैं। IDBI आप जानते हो, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। ये पहले प्राइवेट बैंक हुआ करता था, मगर आज के डेट में ये सरकारी बैंक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनिशियली जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI स्टार्ट किया गया था तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का स्टेक ज्यादा था, ओनरशिप ज्यादा था। जैसे मान लीजिए एक कंपनी हम स्टार्ट किए और इसमें हम पैसा लगाए तो ये कंपनी क्या हो गया, प्राइवेट कंपनी, ठीक है, मेरा पूरा ओनरशिप है। मगर मेरी कंपनी में सरकार इन्वेस्टमेंट कर दी, मेरी कंपनी में बिहार गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर दी और 50% से ज्यादा, 51% और मोर, 50% और मोर ओनरशिप गवर्नमेंट का हो गया। यानी कि मेरे कंपनी का मान लो वैल्यू 100 रुपया है, मान लीजिए सिंपल सा फंडा, और हम अपने कंपनी का हिस्सा बेच दिए, ठीक है, तो हम कितना परसेंट हिस्सा बेच दिए, मान लो 51% हिस्सा बेच दिए या फिर 52% हिस्सा बेच दिए, 60% हिस्सा बेच दिए, तो मोर देन 50% है। तो हम कह सकते हैं कि अब चूंकि सरकार का इन्वेस्टमेंट हो गया और 50% से अधिक हिस्सेदारी किसका है, सरकार का है, इसलिए पहले वो कंपनी प्राइवेट थी मगर अब ये कंपनी क्या हो गई, पब्लिक कंपनी हो गई। बात समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? सिंपली कहने का मतलब वो बिजनेस जहां पे गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट का हिस्सेदारी 50% से ज्यादा हो, मोर देन 50%, इसलिए यहां पे बोल रहा है एटलीस्ट 51%,
है ना, 50% प्लस एक एक परसेंट हो गया, 2% हो गया, 3% हो गया, तो 51, 52, 53, 54 कितना भी परसेंट हो, 50% से अगर अधिक है तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है, ठीक है। तो आईडीबीआई की हम बात कर रहे थे, तो आईडीबीआई जो बैंक है पहले वो प्राइवेट बैंक हुआ करता था, मगर अब हमारी सरकार जो है इसमें हिस्सेदारी खरीद ली और मोर देन 77% मालिकाना हक किसका है, सरकार का है, गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसलिए आईडीबीआई बैंक जो है अब वो क्या हो गया है, गवर्नमेंट बैंक हो गया है ना। तो बेसिकली हर वो संस्था जिसपे जिसमें गवर्नमेंट का हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अच्छा, ये हिस्सेदारी कौन खरीद सकता है सर? देखो, अगर मान लो इस कंपनी में 55% हिस्सेदारी गवर्नमेंट का है तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। अब ये 55% हिस्सेदारी अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट रख सकती है या तो अकेले स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, और या तो दोनों मिलके, सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों मिलके हिस्सेदारी कर सकता है। कहने का मतलब अकेले 55% सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद लिया तो भी वो सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। अकेले पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर दी तो भी वो स्टेट गवर्नमेंट कंपनी आ जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। या फिर 30% हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 25% हिस्सेदारी स्टेट गवर्नमेंट का है तो भी क्या हो जाएगा, ये गवर्नमेंट कंपनी के अंदर में आएगा। तो अर्थात ये है कि वो संस्था जिसपे गवर्नमेंट कंपनी का या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का या फिर दोनों का मिलाकर 50% से ज्यादा हिस्सेदारी होता है, स्टेक होता है, ओनरशिप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। तो अब समझते हैं क्या कह रहा है, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट और पार्शली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, है ना। देखिए क्या कर रहा है, वैसी हर कंपनी जहां पर पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल मतलब होता है ओनरशिप, ओनरशिप किसका है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या तो स्टेट गवर्नमेंट का है या फिर पार्शली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलाकर है, उसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। The government company are governed by rules of the provision of the Companies Act 2013। और ये government company किसके द्वारा चलता है, कौन से बनाए गए rules and regulation के द्वारा चलता है? तो जैसा कि आप जानते हैं partnership को run करने के लिए partnership act आता है, Hindu succession act आता है joint Hindu family के लिए, उसी तरीके से company को चलाने के लिए Companies Act 2013 बना हुआ है। आप चाहे प्राइवेट कंपनी चलाइए चाहे पब्लिक कंपनी चलाइए यानी कि गवर्नमेंट कंपनी चलाइए, आपका आपको क्या कौन सा एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, कंपनी एक्ट। यानी कि अगर हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हम भी कंपनी एक्ट फॉलो करेंगे, और अगर गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट होती है तो भी कंपनी एक्ट फॉलो किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको शो कर रहे हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर कुछ आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, भेल है, IRCTC है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ONGC, सेल, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, है ना, और भारत संचार नगर निगम लिमिटेड, है ना, बहुत सारी कंपनीज है, MTNL हो गया, नालको हो गया, ONGC हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के दायरे में काम करती हैं। आई होप कि आपको हमारी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो बेसिकली अभी तक हम लोग क्या सीखे कि हर वो कंपनी जिसमें कंपनी गवर्नमेंट का या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों मिला के 50% से ज्यादा, एटलीस्ट इस 51% अगर ओनरशिप उनका है तो हम कह सकते हैं कि वो गवर्नमेंट कंपनी है। और ये किसके अधीन चलता है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अधीन चलता है। नेक्स्ट है आपका फीचर। अब फीचर्स
अगर देखिए सिंपल सा फंडा है भाई, अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हो और उसका अगर फीचर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो सब क्लियर है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फीचर सबसे पहले कह रहा है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब अगर सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी भी आप स्टार्ट कर रही है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी अगर कंपनी स्टार्ट कर रही है, तो उसको भी कंपनीज एक्ट के तहत ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो द गवर्नमेंट कंपनी गेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ऑल द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एग्जम्प्ट इट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। सिंपल, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन आपको हम पढ़ाए थे सेकेंड चैप्टर में, तो स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह ये सब करने का जरूरत नहीं होता है बेसिकली, क्योंकि शेयर होल्डर तो होते नहीं है एक्स्ट्रा, यहाँ तो गवर्नमेंट का ओनरशिप है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रजिस्ट्रेशन कराना है तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्ट्रेशन करा के आप गवर्नमेंट भी कंपनी स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये किसका संस्था है? हमारी भारत सरकार की संस्था, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है ये। ठीक है, सेकंड ओनरशिप, ओनरशिप की बात करें तो कौन ओन करता है, तो ये पूरा का पूरा चूंकि गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी का, गवर्नमेंट का जितना भी संपत्ति आपको पता है उसका मालिक कौन होता है? प्रेसिडेंट, हमारे देश के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो पद पे बैठा हुआ है वो मालिक होते हैं पूरे संस्था का। अब ऐसा नहीं कि हम प्रेसिडेंट बन गए तो हम बेच के खा जाएंगे कि ये तो मेरा नहीं, आपका नहीं है, उस पोस्ट का है वो प्रॉपर्टी, बात समझे, प्रेसिडेंट पोस्ट का। अगर आप हैं तो आप बस कार्यकर्ता हैं, अगर हम प्रेसिडेंट हैं तो हम सिर्फ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ना कि हम उसको बेच खाएंगे। ठीक है, तो ओनरशिप क्या होता है, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, सबका मालिकाना हक किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास। द गवर्नमेंट कंपनी इज होली और पार्शली ओन्ड बाई गवर्नमेंट, द शेयर कैपिटल ऑफ दीज कंपनी आर ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, और किसके नाम पे ये पूरा रहता है? प्रेसिडेंट के नाम पे रहता है। ठीक है, चलिए ये एक नया चीज जाने आप। नेक्स्ट कह रहा है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कौन संभालता है सर? तो देखो हम बताए थे कि कोई भी कंपनी हो वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चयन होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बहुत सारे मेंबर होते हैं जो कि कंपनी के हित में डिसीजन लेते हैं, कंपनी को चलाने का काम करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा गवर्नमेंट कंपनी चलाया जाता है। सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट कौन करेगा? तो चूंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्ट होता है, और प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेट करते हैं। कौन नॉमिनेट करते हैं? प्रेसिडेंट। तो द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट एंड एंड अदर शेयर होल्डर। द गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी ऑफ शेयर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर सेलेक्ट करने का पावर किसके पास होता है? मेजोरिटी ऑफ पावर किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है ना, और किसके परमिशन से होता है? तो प्रेसिडेंट का परमिशन उसमें लगता है। ठीक है ना, यानी कि प्रेसिडेंट वहां पे जो भी है प्रेसिडेंट देश के, वो उस समय सैंक्शन करेंगे तभी होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब गवर्नमेंट अलग और कंपनी अलग। ठीक है, अच्छा अब इसमें होगा क्या कि जैसे भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल चाहे तो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, प्रॉपर्टी बेच सकता है, और अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। कहने का मतलब चूंकि भेल का अपना आइडेंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, आप ये वर्ड हमेशा देखते हो हर जगह, सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर सेपरेट लीगल एंटिटी है, सिर्फ इसका यही मतलब है कि अगर कोई संस्था सेपरेट लीगल एंटिटी है तो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपने नाम पे वो लीगल एक्शन ले सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है और बेच सकता है। मगर नो सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे मान लीजिए हम एक दुकान चला रहे हैं और हम अपने दुकान का नाम रखें अमित ट्रेडर, तो वो दुकान सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको अलग से दर्जा नहीं दिया गया है, तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी है।
यानी कि अमीर ट्रेडर के नाम पे कोई बिजनेस नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यानी कि अमीर ट्रेडर के नाम पे ना कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं ना कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, मगर अमित गुप्ता के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो बेसिकली सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, लीगल एग्जिस्टेंस होना, जिसके कारण आप प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है ना, ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है, क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। मिनिस्टेरियल कंट्रोल की बात करें, क्या यहाँ पर मिनिस्टेरियल कंट्रोल होता है, तो हाँ थोड़ा होता है ना, सब्जेक्ट टू मिनिस्टेरियल कंट्रोल, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो डिसीजन लेते ही है, थोड़ा मिनिस्टर्स का भी इंटरफेरेंस हो जाता है, ठीक है। तो द गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू मिनिस्टेरियल कंट्रोल, द कंसर्न्ड मिनिस्टर मेक्स अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, मिनिस्टर्स करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है डायरेक्टर को सेलेक्ट किया है अगर मिनिस्टर तो इंटरफेयर तो करेगा ही करेगा, ठीक है। द मिनिस्टर मे इशू डायरेक्शन एंड कैन एज्यूम ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द अंडरटेकिंग, पूरा अंडरटेकिंग या फिर इंटरफेयर, सिंपल कहने का मतलब मिनिस्टेरियल कंट्रोल में कि यहाँ पर मिनिस्टर्स का जो भी रूलिंग पार्टी है उनका इंटरफेयर होता है। आपको पता है मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं, है ना, आज सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उनके उनके सदस्य हैं, कल को अगर मान लो कांग्रेस आ जाता है तो उनके सदस्य रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इसका मतलब अगर आपको क्लियर है ना तो आप आराम से समझ लोगे। फाइनेंशियल मतलब क्या होता है, पैसे का, पैसा, ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वतंत्रता। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब कहने का कि जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, अब ये क्या बनाती है, ट्रांसफॉर्मर बनाती है, बड़ा बड़ा इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करती है, तो कहीं ना कहीं ये सब करने के बाद रेवेन्यू जनरेट होता होगा, पैसा जनरेट करती होगी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कह लो, इंडियन ऑयल क्या है, इंडियन ऑयल गवर्नमेंट की कंपनी है, तो इंडियन ऑयल जो पेट्रोल बेचता है उससे पैसा जनरेट होता है, रिफाइनरी का भी काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करता है, तो रेवेन्यू जो भी जनरेट होता है कंपनी उस रेवेन्यू को खुद यूटिलाइज करती है। जैसा इंडियन रेलवे में क्या देखे थे कि रेलवे का पूरा पैसा ट्रेजरी में चला जाता है, इंडियन रेलवे खुद यूटिलाइज नहीं करता, मगर अगर हम आपको बोल रहे हैं फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है इस तरीके का संस्था का, इसका ये मतलब है कि संस्था अपना जनरेट किया गया रेवेन्यू को अपने बिजनेस के एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में लगा सकती है, किसी से भी परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर लगता है कि ये एक्शन लेना है तो वो एक्शन ले सकता है। तो सिंपल सा बात है, द गवर्नमेंट कंपनी एंजॉय बोरोइंग पावर, इट कैन रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ सिक्योरिटीज, चाहे तो वो शेयर बेच के लोन पैसा ले सकता है या फिर लोन ले सकता है अपने खुद से, किसी से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है लोन लेना है तो ले सकता है, और इट इज फ्री टू यूज रेवेन्यू फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, और ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए जितना भी इन्वेस्टमेंट का दरकार है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद डिसीजन लेगा और खुद इन्वॉल्व करेगा, मिनिस्टर और डिपार्टमेंट से है ना परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। हालांकि चूंकि इंडिया है तो मिनिस्टर्स का इंटरफेरेंस तो होता है मगर परमिशन लेना कंपल्सन नहीं है। एफिशिएंट स्टाफ, एफिशिएंट स्टाफ कहने का मतलब इस तरीके के संस्था में स्टाफ का जो सिलेक्शन होता है बहुत सही तरीके से होता है, और जो टॉप लेवल पे है उनको ज्यादा सैलरी मिलता है, जो लो लेवल पे उनको कम सैलरी मिलता है, जो एफिशिएंट स्टाफ है उनको अच्छा सैलरी मिलता है, जो नॉन एफिशिएंट स्टाफ है उनको प्रमोशन जल्दी नहीं मिलता है, उनका सैलरी डिसाइड जो किया जाता है वगैरह वगैरह, सारा चीज आपका इंडिपेंडेंटली होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली कहने का मतलब स्वतंत्र तरीके से होता है, कंपनी खुद डिसीजन लेती है कि कौन से पोस्ट के लिए कितना सैलरी रहेगा, कौन से पोस्ट का क्या वर्कलोड रहेगा, कैसे सेलेक्ट करना है सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है एफिशियंट स्टाफ, एफिशियंट स्टाफ कहने का मतलब, अब देखो तुमको जाहिर सी बात है तुम क्वालिफाइड हो या फिर आपको एक एफिशिएंट अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रहा है, तो इससे फायदा क्या होता है कि आपको आप एफिशिएंटली काम करेंगे, ढंग से काम करेंगे, जैसे आपको जितना सैलरी एक्सपेक्टेशन है उतना आपको मिल रहा है,
आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मोटिवेटेड होके काम करेंगे। दैट इज व्हाई यहाँ पे कह रहा है एफिशिएंट स्टाफ। देखो द रिक्रूटमेंट एंड, रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, सिलेक्शन करना, और रेन्यूमरेशन मतलब होता है सैलरी। तो सिलेक्शन करना और सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट कंपनी आर इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ। कंपनी खुद डिसीजन लेती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या सैलरी होगा, मैनेजर का क्या सैलरी होगा, है ना। एंड इट इज नॉट गवर्न्ड बाय सिविल सर्वेंट रूल, सिविल सर्विस रूल। सिविल सर्वेंट बोला जाता है ना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जितने भी इम्प्लॉय हैं, डिफेंस के, इंडियन रेलवे के, उनको क्या बोला जाता है, सिविल सर्वेंट बोला जाता है, क्योंकि उनको सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत सेलेक्ट किया जाता है। पर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये सब संस्था का जो इम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है तो कंपनी अपने तरीके से करती है, और इनको सिविल सर्वेंट नहीं बोला जाता है। बात क्लियर है? हालांकि गवर्नमेंट का कंपनी है पर इनको सिविल सर्वेंट नहीं बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, जवाबदेही, मतलब कि अगर किसी भी तरीके का मिस हैपनिंग होता है, या फिर कुछ प्रोजेक्ट की बात हो रही है, कुछ डिस्कशन की बात हो रही है, ठीक है, तो मिनिस्टर्स का इंटरफेरेंस होता है, मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ता है, टॉप ऑफिशियल्स को, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेलेक्ट कौन करता है, मिनिस्टर। तो मिनिस्टर जवाब मांगेगा कि अगर कोई एक्टिविटी नहीं किया जा रहा है, या फिर डिले इन डिसीजन मेकिंग हो रहा है, या फिर कुछ भी अनहैपनिंग हुआ, तो कौन अकाउंटेबल होगा और कहां जवाब देना पड़ेगा। तो मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ेगा, या फिर पार्लियामेंट में, या फिर स्टेट असेंबली में, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, क्या, ठीक है। चूंकि सरकारी कंपनी है तो ये सब तो होगा, तो द गवर्नमेंट कंपनी आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर्स और द डिपार्टमेंटल कंसर्न। इट्स एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट मतलब सालाना परफॉर्मेंस, एक साल का क्या परफॉर्मेंस रहा, इज प्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। ये कहाँ डिस्कस किया जाता है, स्टेट असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। तो आपका 8 टोटल फीचर्स है, अगर फीचर क्लियर है तो सब क्लियर है, क्योंकि एडवांटेज डिसएडवांटेज में कोई दिक्कत नहीं होता। रजिस्ट्रेशन कराना 2013 के अंतर्गत, ओनरशिप में गवर्नमेंट ओनर होता है, और किसके नाम पे होता है, प्रेसिडेंट के नाम पे। मैनेजमेंट कौन सेलेक्ट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट करता है, और वो सेलेक्ट कौन करता है, तो गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है और शेयर होल्डर सेलेक्ट करते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, अपना इनका आइडेंटिटी होता है, इसलिए अपना कॉन्ट्रैक्ट और सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री कर सकते हैं। मिनिस्टेरियल कंट्रोल होता है थोड़ा, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्शन कौन करता है, मिनिस्टर्स, इसलिए मिनिस्टेरियल कंट्रोल होता है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कहने का मतलब अपना जनरेट किया हुआ रेवेन्यू वो खुद से परचेज मतलब डिसीजन ले सकते हैं। एंड लास्ट है एफिशिएंट स्टाफ, है ना। आई होप कि मेरी बात आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेरिट एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, है ना। गवर्नमेंट कंपनी के एडवांटेजेस क्या हैं? तो जब आप फीचर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके लिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आसान हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट कंपनी का खास बात क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी कहने का मतलब कि आप यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा लिया जाता है। तो जनरली ये देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस थोड़ा कम होता है, जो भी डिसीजन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेती है, क्योंकि मेन मैनेजमेंट कौन संभालता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सारा डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेगा, तो पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस थोड़ा कम हो जाता है, और स्मूथ अंडरटेकिंग होता है, स्मूथली एकदम सारा काम किया जाता है। तो पहला एडवांटेज है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वतंत्रता के साथ काम करना, और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब होता है बिजनेस मैनेज करना। तो बिजनेस को जो मैनेज किया जाता है वो बहुत आजादी के साथ किया जाता है ना। तो द गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इट कैन फंक्शन फ्रीली एंड स्मूथली अंडर द जनरल विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। Suitable changes can be introduced whenever needed within the provision of the Companies Act. ठीक है? और कुछ अगर बदलाव करना है
कंपनीज एक्ट के तहत बदलाव किया जा सकता है। आप पढ़े हैं सेकेंड चैप्टर में कि कंपनीज एक्ट में दो डॉक्यूमेंट बताया गया है, तीन डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आई होप कि आप जानते होंगे या फिर आपको आगे पता चलेगा। तो कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो रहता है कि कौन सा काम किया जा सकता है, कौन सा काम नहीं किया जा सकता। तो किसी भी तरीके का अगर बदलाव करना है तो आप प्रोविजन के अनुसार बदलाव करके आप वो चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे कहने का मतलब है, इस लाइन का मतलब है, सुटेबल चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड व्हेनेवर दे आर नीडेड विद इन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। किसी भी तरीके का बदलाव अगर करना है तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अनुसार आप बदलाव कर सकते हैं, अगर वो अलाउ करता है तब। नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। एक और एडवांटेज क्या है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि सारा जजमेंट खुद से लिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, है ना। अपने काम को करने के लिए मिनिस्टर का इंटरफेरेंस नहीं होता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के हित में डिसीजन लेते हैं। ठीक है, कंपनी के एक्सपेंशन के रिगार्डिंग, कंपनी का फंड कहाँ यूटिलाइज होगा, कहाँ यूटिलाइज नहीं होगा, कहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करना है, कहाँ पे फैक्ट्री सेटअप नहीं करना, यानी कि बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं वो बहुत ओपनली लिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद अपने कंपनी को कॉन्सेंट्रेट करके कंपनी के हिसाब से डिसीजन लेती है, तो ये एक फायदे वाली बात है। द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड एंड फाइनेंस्ड एंड ऑडिटेड। ऑडिट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कराना, अकाउंटिंग चेक कराना, जस्ट एज अदर प्राइवेट कंपनी, है ना। जिस तरीके से प्राइवेट कंपनी चलती है उस तरीके से गवर्नमेंट कंपनी भी चलती है, बस फर्क इतना है इसमें ओनरशिप किसका है, गवर्नमेंट का। इट कैन देयरफॉर सिक्योर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन एंड क्विकनेस ऑफ एक्शन इन रनिंग द डिपार्टमेंट, है ना। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होता, और दूसरा ये कह रहा है कि फाइनेंशियल ऑटोनोमी होता है, फ्रीडम इन ऑपरेशन होता है, किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होता, जो भी डिसीजन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद लेते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है एफिशिएंट स्टाफ। एफिशिएंट स्टाफ कहने का मतलब ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है इनका, ये लोग खुद से डिसीजन लेते हैं सैलरी का, रेन्यूमरेशन का, है ना, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनका अपना होता है। तो इस वजह से एक और एडवांटेज क्या है, एफिशिएंट स्टाफ इनके पास रहता है, मतलब वेल क्वालिफाइड स्टाफ, जो अच्छा काम करे उनको ज्यादा सैलरी, जो कम काम करे उनको कम सैलरी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस पे के आधार पे भी डिसीजन लिया जाता है। लास्ट है आपका कोलेबरेशन। कोलेबरेशन क्या होता है, कोलेबरेशन कहने का मतलब मिल के काम करना। ठीक है, तो द गवर्नमेंट कंपनी कैन अवेल एंड अकोमोडेट मैनेजरियल स्किल, टेक्निकल नो हाउ एंड एक्सपर्टीज ऑफ द प्राइवेट इंटरप्राइजेस। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल की बात करें तो भेल जो है वो ट्रांसफार्मर बनाता है, ट्रांसफार्मर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए यूज होता है ना वो, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर बनाती है। तो अब मान लो कि कंपनी ट्रांसफार्मर तो बना ली, मगर ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम होता है, मतलब जहां पर पहुंचाना है वहां पर पहुंचाने में कंपनी को दिक्कत होता है, तो कंपनी प्राइवेट लॉजिस्टिक कंपनी, लॉजिस्टिक कंपनी क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। तो मान लो मेरा एक कंपनी है जो हम ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, हमको भेल क्या बोल दिया कि चलिए आप जितना भी इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मर है आपको सप्लाई करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, मेरे साथ डील हो गया। तो हम एक प्राइवेट कंपनी है और हम ट्रांसपोर्टेशन में एक्सपर्ट हैं, ठीक है, हम किसी भी तरीके का गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं, कहीं भी पहुंचाना है पहुंचा देते हैं, मेरे पास उतना सुविधा है। तो कंपनी क्या कर सकती है, कोलेबरेट कर सकती है, यानी कि सरकारी कंपनी प्राइवेट कंपनी के साथ क्या कर रहा है, कोलेबरेट कर रहा है, इसको कहते हैं कोलोबरेशन। बात समझ में आया। तो द गवर्नमेंट कंपनी कैन अवेल, अवेल मतलब यूज करना, अकोमोडेट मैनेजरियल स्किल, टेक्निकल नो हाउ, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी का करार कर सकती है। जैसे बहुत सारी सरकारी कंपनी है जो गूगल के साथ टेक्नोलॉजी के लिए करार की हुई है, कोलेबरेशन की हुई है कि आप मेरे कंपनी का गूगल
मेरे कंपनी का पूरा टेक्नोलॉजी संभालेगा, एक्सपर्टीज ऑफ द प्राइवेट इंटरप्राइजेस बाय, है ना, कोलेबरेटिंग विद इट, विद इट, ठीक है, कोलेबरेट करके काम कर सकती है। तो ये एक एडवांटेज है कि भाई कोलेबरेशन, कन्वीनियंटली कोलेबरेट करके कंपनी काम करती है। तो आई होप कि आपको ये जो चारों मेरिट बताए हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एंड लास्ट है आपका डीमेरिट। डीमेरिट भी बहुत आसान है। डीमेरिट क्या है? ऑटोनोमी ऑन पेपर ओनली। कहीं ना कहीं आप जानते हो कि सरकारी संस्था है तो गवर्नमेंट का, मिनिस्टर्स का इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा। तो ऑटोनोमी तो बोला जाता है कि स्वतंत्रता के साथ कंपनी काम करती है, कंपनी काम करती है, पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी बीच बीच में रोड़ा लगाती है, ठीक है ना, वो पंगा करेगा ही करेगा। तो फ्रीडम बोला तो जाता है मगर सिर्फ थियोरेटिकली पेपर में कि हाँ कोई गवर्नमेंट पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है। ये एक पॉइंट है। दूसरा क्या कह रहा है? वही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, फिर से वही पॉइंट, है ना। अब देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है। द गवर्नमेंट कंपनी आर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ, पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। कभी कभी करप्ट मिनिस्टर्स को लगता है कि गवर्नमेंट की कंपनी तो अपना प्रॉपर्टी है, हम सरकार में है, हम सत्ता में है, तो मेरा कंपनी भी मेरा ही है। तो इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर इज फ्रीक्वेंट। द ऑपरेशनल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू विम्स एंड फेमिन्स ऑफ द मिनिस्टर, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी जो डिसीजन लेती है ना, वो फेमिन्स और इसके इच्छा अनुसार, मिनिस्टर के इच्छा अनुसार डिसीजन ले लेती है। तो ये एक थोड़ा गड़बड़ वाला बात है। नेक्स्ट क्या है? बोर्ड आर पैक्ड विद द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम आपको क्या बताए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारा डिसीजन लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारा डिसीजन लेता है कंपनी का, ठीक है। अच्छा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करता है गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर हैं वो सारे के सारे किसका रिप्रेजेंटेटिव है? गवर्नमेंट का। बात समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट कौन करता है? कंपनी किसके द्वारा रन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट कौन करता है? गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है सब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, पता है क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट के इम्प्लॉय होते हैं वो कहीं ना कहीं, उनको पता है कि अगर हम काम ढंग से नहीं भी करेंगे तो कोई निकालने वाला नहीं है, है ना, कोई निकालने वाला हमको नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव का अकड़ थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अगर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होंगे और अगर वो मनमाने तरीके से काम करेंगे तो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन गवर्नमेंट कंपनीज इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, पता है आपको। सो दीज डायरेक्टर ऑलवेज ट्राई टू प्लीज द गवर्नमेंट रेदर देन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जानते हो क्या करते हैं? चापलूसी में लगे हुए रहते हैं कि हमको जो सेलेक्ट किया है, जैसे मान लीजिए हम मोदी जी के डायरेक्ट लिंक में है और हमको मोदी जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, तो अब कहीं ना कहीं हम मोदी जी के इशारों पे काम करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो हमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने का मौका दिए। तो प्लीज ऑफ द गवर्नमेंट पे फोकस हो जाता है, यानी कि गवर्नमेंट क्या चाहती है उसके अनुसार काम करना, ठीक है, रेदर देन एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ये एक डिमेरिट है। तो पेपर पे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब कंपनी, मगर एक्चुअली में गवर्नमेंट पार्टी का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है। लास्ट आज का क्लास का डिस्कशन है सूटेबिलिटी। सूटेबल किसके लिए है? इस तरीके का संस्था किस तरीके के कंपनी के लिए सूटेबल है? तो वैसी कंपनी जहां पर गवर्नमेंट वांट कंट्रोल कंपनी एंड प्राइवेट सेक्टर विथ नेशनलाइजेशन, वैसी संस्था जहां पर गवर्नमेंट चाहती है कि मेरा कंट्रोल रहे और प्राइवेट कंपनी के साथ मिलके भी काम करें, तो गवर्नमेंट कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब सरकार चाहती है
एक कंपनी स्टार्ट करना जहां पे प्राइवेट कंपनी भी आके पार्टिसिपेट करे, तो आप गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट कर लीजिए। वेयर गवर्नमेंट वॉन्ट टू गो फॉर कोलेबरेशन विद द प्राइवेट इंटरप्राइजेस, फिर से वही बात कह रहा है, एंड वेयर द प्रोजेक्ट रिक्वायर गवर्नमेंट प्लान एंड फंड्स, और जहां पर वैसे प्रोजेक्ट जहां पे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट कंपनी अगर स्टार्ट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ही करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो इसी के साथ आज हम लोग सीखें कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, उनके फीचर्स के बारे में समझे और उनके डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज के बारे में जाने। ये देखिए आपको तीनों के बीच में डिफरेंस दे रहा है, कंपैरिजन बिटवीन, कंपेयर किया जा रहा है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो ये जो कंपैरिजन है ना, अगर तीनों पॉइंट क्लियर है, डिपार्टमेंटल, पब्लिक एंड गवर्नमेंट, डीपीजी है ना, डीपीजी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, तो डीपीजी अगर क्लियर है आपको, तो अगर ये कंपैरिजन अगर देखते हो, ये जितना भी कंपैरिजन आपको दिया हुआ है, ये कंपैरिजन अगर आप देखते हैं तो आपको और भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग देगा, आप भी और भी अच्छे से समझ में आएगा। फिर यहाँ पर एक डिफरेंस दे रहा है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर के बीच में, कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है एंड पब्लिक कंपनी क्या होता है, और दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। अगर ये दोनों डिफरेंस भी आप देख लेते हो तो आप में और भी डीप अंडरस्टैंडिंग आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में, वो कंपनी जो बहुत सारे देशों में काम करती है उनको क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। तो आज के क्लास में बस इतना ही, आपको हम ये जरूर कहेंगे कि आप कंपैरिजन एंड डिफरेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में और भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। इसी इसी साथ आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और वहां पर फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।